सवर्ण सेना की ओर से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूर्णिया के थाना चौक पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आनंद मोहन के चाहने वाले शरीक हुए थे और सरकार से आनंद मोहन की तत्काल रिहाई की मांग भी कर रहे थे। इस दरमियान मीडिया प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट से अलग राज्य सरकार के लोग आनंद मोहन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनकी सजा पूरी होने के बावजूद भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है, इसीलिए अब वे लोग उग्र आंदोलन कर राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहरे चरित्र वाले नेता हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आनंद मोहन की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर भी बैठ चुके हैं और अब सत्ता में आने के बाद आनंद मोहन की रिहाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो उनकी दोहरी चरित्र को दर्शाता है। प्रदर्शन में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के समर्थक भी शामिल थे। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला अध्यक्ष ललनेश कुमार सिंह ने दूरभाष पर बताया कि न्याय के लिए अब आंदोलन को उग्र किया जाएगा। एक दिवसीय धरना किया गया है सवर्ण युवा सेना की ओर से। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्रांतिवीर साहित्य के पुरोधा विराट धरती पुत्र श्रेय विहार श्री आनंद मोहन सिंह, जो आज इतने वर्षों से 12 साल से ऊपर हो गया और 2 साल पहले जो स्पीड ट्रायल हुआ था वो जोड़ के 14 साल हो जाता है, और बीते हुए 2 अक्टूबर को उनकी रिहाई होनी तय हो गई थी। ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है बिहार सरकार, ऐसा कौन सा राजनीतिक घिनौना खेल खेल रही है जो हमारे नेताजी को रिहा नहीं होने दे रही है। आज इसलिए हम लोगों ने सवर्ण युवा सेना संगठन की ओर से आज हम लोग एक दिवसीय धरना किए हैं, और अगर सरकार अपने रवैये पर सही रूप से, अगर उनको तरीके से सम्मानजनक पूर्ण से रवैये से अगर रिहा नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अमरन अंसर और भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं। 1994 5 दिसंबर की बात है, जब उनकी हत्या हुई थी डीएम साहब की, तो आनंद श्री आनंद मोहन सिंह अपने ही नहीं अपने करीबी नेताओं के साथ वहाँ पर थे, वो निकल चुके थे, वो हाजीपुर में थे। आप जरा सा ये कयास लगाइए, ये दिमाग लगाने की जरूरत है कि जो आदमी की हत्या वहाँ होती है और 40 मिनट के अंदर गिरफ्तारी होती है, उस समय बिहार की स्थिति ऐसी थी 1990-95 की दौर की कि उस समय वहाँ की दूरी मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आने में 2.5 घंटे लगती थी। तो सड़क पर प्रदर्शन, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इतने सारे क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो हत्या का दौर हो या भ्रष्टाचार का हो, उस पर सीबीआई जांच गठित हो जाती है, तो क्यों ना सरकार ने उस समय सीबीआई जांच गठित किया था। ये बताइए कि जो बातें आप कह रहे हैं सड़क पर धरना प्रदर्शन के जरिए, इसी बात को आप कोर्ट में क्यों नहीं रखते, कोर्ट को क्यों नहीं समझाते? कोर्ट को ऐसा नहीं है, कोर्ट न्यायपालिका जो होती है वो सर्वमान्य है, उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। आप भी जानते हैं कि श्री आनंद मोहन सिंह को निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी, हाई कोर्ट में अपील हुआ, हाई कोर्ट ने उस सज़ा को निरस्त कर उसको तब्दीली लाते हुए उम्र कैद में किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा। तो जब बरकरार रख रहा है तो सवाल है कि जब आप लोग कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं? हम लोगों ने अपने स्तर से कन्विंस भी किया है, हम लोगों ने अपने स्तर से जगह जगह जो आंदोलन किया है उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्रतिलिपि भी दी है, और जो भी हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये अब सुलगने लगा है, ये आवाज़ अब बुलंदी होने लगी है, या यूँ समझिए आप कि ये अब आगाज हो रहा है, अब इसका अंजाम होना है, चाहे जो भी हो, जिस हालात में हो, जिस भी सूरत में हो, अब नेताजी को रिहा करना ही पड़ेगा। कोर्ट पे भरोसा नहीं रहा? कोर्ट पे भरोसा है और हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी क्रियाकलापें जो हमारे नेताजी के साथ में हो रही हैं वो अन्यायपूर्ण हो रहा है, और सरकार इसका अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे नेताजी को प्रताड़ित कर जेल के अंदर रखे हुआ है। जो नीतीश कुमार 1994 में इनकी रिहाई के लिए धरने पे बैठे हुए थे, और आज सरकार में आते ही जो 2 अक्टूबर 2018 को रिहाई होने वाली थी, इसके रिहाई होने के बावजूद भी इनको दबा दिया गया, और एक डीएम का हत्या होता है उस पर सीबीआई जांच नहीं होती है। यदि किसी पॉलिटिशियन, आपका सवाल है कि जो नीतीश कुमार जी रिहा करने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल आज सरकार में है तो कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये तो अन्यायपूर्ण रवैया है ना सरकार का, ये सरकार का दोहरा रवैया है। नहीं, ये नीतीश कुमार का जो चेहरा है जी, वो किस तरह का दिख रहा है आपको? नहीं, ये तो दोहरी नीति इनकी सरकार की झलकती है,
आप सरकार में हैं, आप सीबीआई जांच भी करवा सकते थे, आखिर ऐसा कौन सी विडंबना है। एक किसी चोर का हत्या होता है तो उस पर सीबीआई जांच हो जाती है, ऐसी कौन सी विडंबना है जो एक डीएम का हत्या होती है और अभी तक सीबीआई जांच नहीं होती है।